तो एवरीवन स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड एक प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास एक डायग्राम है, इस डायग्राम में हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है और इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये एंगल पाई बाय थ्री है, मीन टू से 60 डिग्री का ये एंगल है। ओके, और इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास ये ट्रायंगल है, इसमें ये वाला एंगल थीटा का है और ये हमारे पास बीटा का है। इस क्वाड्रिलेटरल में हमने प्रूव करना है कि सी है, जो सी ये वाली लाइन, जो ये वाली साइड है सी, सी इक्वल टू 2a साइन थीटा अपॉन साइन बीटा है। जो C है वो किसके इक्वल है, 2a साइन थीटा अपॉन साइन बीटा के ये इक्वल है, राइट। तो इसमें हमने करना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये समझो कि ये वाला जो ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में हम लोग साइन रूल अप्लाई करेंगे। साइन रूल, साइन रूल प्लस वन क्लास की ट्रिग्नोमेट्री में पहले था, अब खैर ये नहीं है न्यू सिलेबस में। तो साइन रूल क्या होता है, हमारे पास ये ट्रायंगल एबीसी है, इस ट्रायंगल में बीसी को मैंने ए लेट किया है, एसी को मैंने बी लेट किया है और एबी को मैंने सी लेट किया है। तो ए बाय क्या होगा, ए बाय साइन ए, ये वाला एंगल, ओके, इक्वल टू बी बाय साइन बी और सी बाय साइन सी रहेगा, ठीक है। ए अपॉन साइन ए इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इक्वल टू सी अपॉन साइन सी, सी अपॉन साइन सी, ये हमारे पास क्या होता है, ये साइन रूल होता है, इसे बोलते हैं साइन रूल, ओके। तो ये साइन रूल हम इस सम में अप्लाई करेंगे, ध्यान दें। अब इस ट्रायंगल में, ये वाला ट्रायंगल है, इसमें साइन रूल कैसे अप्लाई होगा, ये साइड है हमारे पास सी, तो सी बाय साइन ऑफ, यस, इसके अपोजिट एंगल कौन सा है, ये वाला एंगल है साइन थीटा, सी बाय साइन थीटा इक्वल टू, ये साइड भी है हमारे पास, इक्वल टू बी बाय, इसके अपोजिट एंगल है साइन बीटा, तो सी बी बाय साइन बीटा हो जाएगा, ठीक है। तो थर्ड एंगल नहीं है, खैर हमारे पास सी बाय साइन थीटा इक्वल टू बी बाय साइन बीटा है, ठीक है। तो इससे हमारा काम चल जाएगा, क्योंकि हमने जो प्रूव करना है उसमें साइन थीटा और साइन बीटा ही है, ठीक है। साइन थीटा साइन बीटा हमारे पास फिलहाल ये आ चुका है, ओके। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या आएगा, सी साइन बीटा इक्वल टू बी साइन थीटा हो जाएगा। वैल्यू किसकी निकालनी है, वैल्यू हमने सी की फाइंड करनी है, तो सी इक्वल टू हमारे पास बन जाएगा बी साइन थीटा अपॉन साइन बीटा की मल्टीप्लाई है, इस साइड पे ट्रांसफर करेंगे तो ये बन जाएगा बाय में, डिवीजन हो जाएगी। प्रूव करना है हमने 2a इंटू साइन थीटा बाय साइन बीटा, अपने पास है b इंटू साइन थीटा बाय साइन बीटा, मीन टू से अभी हमने b की वैल्यू यहां पर और फिल करनी है। तो b की वैल्यू कैसे आएगी, अब इस वाले ट्रायंगल में देखो, यस बेटा, इस ट्रायंगल में, ये वाला ट्रायंगल ना राइट एंगल ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में, यस बेटा, इस ट्रायंगल में हमारे पास ये बी है, यहां पर ये वाली साइड बी है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू यहां से निकाल लेते हैं बी की, इसमें देखो ये एंगल है, ये हमारे पास इसका बेस है और ये हमारे पास इसका हाइपोटेनियस है, ठीक है। तो बेस बाय हाइपोटेनियस, बेस बाय हाइपोटेनियस क्या बनेगा, बेस बाय हाइपोटेनियस होता है हमारे पास कोस थीटा, तो कोस यहां पर हो जाएगा पाई बाय थ्री, थीटा की वैल्यू हमारे पास पाई बाय थ्री है, ध्यान देना,
ये बेस है हमारे पास, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनियस है, तो बेस बाय हाइपोटेनियस, बेस बाय हाइपोटेनियस कोस पाई बाय थ्री, राइट। तो बेस हमारे पास क्या है, ये ए है, हाइपोटेनियस हमारे पास बी है, कोस 60 की वैल्यू, कोस 60 की वैल्यू होती है 1 बाय टू क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई से क्या होगा, बी की वैल्यू आ जाएगी 2a, यस ये बी की वैल्यू है, वन मिनट, यस क्रॉस मल्टीप्लाई से बी की वैल्यू हमारे पास आ रही है 2a, राइट। ये बी की वैल्यू फिल कर दो यहां पर, पुट बी इक्वल टू 2a इन, सपोज ये फर्स्ट इक्वेशन है, इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, c इक्वल टू वैल्यू ऑफ b, वैल्यू ऑफ b है 2a, इनटू में साइन थीटा अपॉन साइन बीटा हो जाएगा, ये इस तरह से हमारे पास ये प्रूव हो गया कि c इक्वल टू 2a इंटू साइन थीटा इंटू साइन बीटा है। ओके स्टूडेंट्स, तो फिर से थोड़ा रिपीट करते हैं इसे, हमें एक डायग्राम दे रखा है, इस डायग्राम में ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, ये स्केलन है हमारे पास, ठीक है, इसमें हमें ये वाला एंगल दे रखा है क्यूट एंगल, बेस दे रखा है, हाइपो दे रखा है, और इस ट्रायंगल में हमारे पास टू एंगल है और इनके अपोजिट भी हमें साइड दे रखी है, तो हमने इस ट्रायंगल में साइन रूल अप्लाई करना है। साइन रूल में क्या होगा, ये साइड है तो a अपॉन साइन a इक्वल टू b अपॉन साइन b इक्वल टू c अपॉन साइन c होगा, राइट। तो इस वाले ट्राइंगल में मैंने साइन रूल अप्लाई किया है, तो c अपॉन साइन थीटा इक्वल टू b अपॉन साइन बीटा हो जाएगा, राइट। इनको मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई की है, क्रॉस मल्टीप्लाई से क्या होगा, c इंटू साइन बीटा इक्वल टू b इंटू साइन थीटा हो जाएगा, c इक्वल टू क्या बनेगा, c इक्वल टू b इंटू साइन थीटा सेम रहेगा, साइन बीटा की मल्टीप्लाई है, ये डिवाइड हो गया, और अब हमने क्या करना है, b की वैल्यू यहां पर फिल करनी है, इस इक्वेशन में b की वैल्यू हमने फिल करनी है, b की वैल्यू कहां से आएगी, इस राइट एंगल ट्राइंगल से b की वैल्यू आ जाएगी, तो इसमें आपने बेस बाय हाइपोटेनिस अप्लाई करना है, बेस और हाइपोटेनिस का जो रेशियो होता है वो कोस थीटा के इक्वल होता है, तो बेस बाय हाइपोटेनिस दैट इज कोस थीटा, कोस पाई बाय थ्री, कोस पाई बाय थ्री की वैल्यू होती है 1 बाय टू, तो यहां से हमारे पास b इक्वल टू 2a आ गया, b की वैल्यू यहां फिल कर दो, ये हमारे पास प्रूव हो जाएगा c इक्वल टू 2a इंटू साइन थीटा बाय साइन बीटा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोग इसे अच्छी तरह से समझ गए होंगे, थैंक यू सो मच।